नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं गोलफी मिरर, हर पल आपके साथ। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं CFM न्यूज़ चैनल हर पल आपके साथ। आज लॉकडाउन का नवा दिन है। हम जिस वक्त ये खबरें टेलीकास्ट की जाएगी, आप इन खबरों को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपको घर के अंदर कैद कर दिया गया है, लेकिन आपका कैद होना जरूरी था। और अगर हम अभी भी जो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया उसकी पालन नहीं करेंगे तो शायद हम कोरोना वायरस से जीत नहीं पाएंगे। आइए आज की खबर की शुरुआत करता हूँ। आज की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री का एक वीडियो आया और इस वीडियो में उन्होंने हिंदुस्तानियों से अपील की है कि 5 अप्रैल को रात को 9 बजे अपने अपने घरों को आप अंधेरा कर लें 9 मिनट के लिए, और दिया मोमबत्ती और मोबाइल की फ्लैश लाइट को जलाकर एकता का पैगाम दें और ये साबित करें कि इस कोरोना वायरस की लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं इसमें तमाम हिंदुस्तानी हम लोग एक हैं। दूसरी खबर आज ये आई है कि आपका जाकर के आसनसोल के एडीएम खुर्शीद अली कादरी ने जारी एक बयान में कहा कि यहाँ 2072 लोग बाहर से आए थे और 222 को क्वारंटाइन करके उनको 14 दिनों के बाद छोड़ दिया गया है। बाकी जो लोग हैं उनको आइसोलेशन कैंप में रखा गया है। एक खबर ये आई थी बरनपुर के नरसिंह बांध से कि वहां पे राशन बांटते वक्त लोग आपस में उलझ गए और पुलिस को मदाखलत करने पड़ी और पुलिस की मदाखलत से भीड़ पे काबू पाया गया। हम लोगों को सोचना चाहिए कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर अभी भी हम लोग अलर्ट नहीं होंगे तो फिर शायद हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। और अभी अभी खबर ये आ रही है कि सतोड़िया बाजार में राशनिंग दुकान में राशन भीड़ लगाकर बांटा जा रहा है। वहां के लोगों ने व्हाट्सएप पे हमारे ऑफिस में मैसेज किया कि आप इस जानिब कुछ कहें। तो जो लोग राशनिंग डीलर हैं, आप जो राशन बांट रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप एक ऐसा सिस्टम करें, आप पहले टोकन दे दें ताकि जब लोग राशन लें तो फिर वो भीड़ का सामना ना करना पड़े। एक खबर ये आई कि और अच्छी खबर यह है कि पश्चिम बर्धमान से अब तक कोरोना वायरस का कोई भी केस हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला है। ये एक राहत बड़ी खबर है और ये उस वक्त कामयाब होगी जब हम लोग इसी तरह लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहें, लोगों से दूरी बनाए और जब कोई जरूरत हो तभी हम लोग घर से बाहर निकले। दूसरी खबर के तहत चलते हैं कि मुलायम घटक ने रेल पार में एक अनाज की पैकेट तकसीम की, लोगों को राहत का सामान मिला, मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो पैकेट दी गई वो बहुत कम तादाद में थी। मंत्री साहब को चाहिए कि थोड़ी तादाद को और बढ़ाया जाए। उम्मीद है कि मुलायम घटक जी इस तरफ तवज्जो देंगे। और पांडेश्वर के लिए एक अच्छी खबर ये है कि पांडेश्वर के जो MLA है जितेंद्र कुमार तिवारी साहब, जो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर है, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम लोग उसको देख भी रहे हैं, वो सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव है और लोगों को प्रॉब्लम को हल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने अपनी पहल से बहुत अच्छी काम ये की है कि पांडेश्वर के पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है और वहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा है। और जैसा कि हम लोग इसे कोरोना वायरस से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी जो दुख भरी खबर जमुरिया से ये आई कि जमुरिया के जो MLA हैं, जहाँ आरा उनके भाई का इंतकाल हो गया, वो इलाज के लिए भेलोर गए हुए थे, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में जब उन्होंने ये गुहार लगाई कि उनके भाई की मैयत को आसनसोल लाया जाए तो ममता बनर्जी की पहल से उनकी मैयत को आसनसोल लाया गया और वहाँ पर उनको सपुर्द खाक की गई। लेकिन जहाँ आरा के साथ जो गम टूटी है उनके गम में हम लोग बराबर के शरीक हैं और हम लोग चाहते हैं कि उनको और सब मिले। आइए दोस्तों, अब एक स्टूडेंट के लिए इस दरमियान एक खुशखबरी भरी है। खबर ये आई कि वेस्ट बंगाल के जो एजुकेशन मिनिस्टर है पार्थ चटर्जी, उन्होंने ये ऐलान किया है कि इन साल जो बच्चे क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का एग्ज़ाम दिए हैं उन तमाम बच्चों को पास कर दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे लॉकडाउन हो गए हैं उनके लिए बड़ी खबर है। आप उन तक जो ये खबर नहीं सुन पाए या नहीं देख रहे हैं तो आप लोग उन तक पहुंचा दें ताकि बच्चों के दिलों में भी कुछ मुस्कुराहट आ जाए। और आइए दोस्तों, इस लॉकडाउन में जो तालीम हासिल करने वाले लोग होते हैं वो अपनी राह निकाल लेते हैं और ये देखा जा रहा है कि
जहां पे कॉलेज को ये हिदायत दी गई है कि आप ऑनलाइन से बच्चों को एजुकेशन दें। टीचरों को कहा गया कि आप ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों जो जो बच्चे घर में कैद हैं उनको क्लासेस करें। तो इसी जानी पहल करते हुए इंग्लिश मीडियम के कुछ स्कूलों ने भी ऑनलाइन क्लासेस का बाजाबता आगाज कर दिया है। उम्मीद है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला शुरू हुआ है इसकी रफ्तार और तेज होगी और इस जानिब दूसरे जो मीडियम के स्कूल है वो भी देखने को आएंगे। और सर चलते चलते आखिरी खबर पे जाने चलूंगा। आखिरी खबर ये आई है कि मौलाना रशीद फरंगी जिन्होंने एक फतवा जारी करके लोगों को ये हिदायत दी है कि अगर आपके पास कोरोना है तो आप उसकी इलाज कराएं, कोरोना को छिपाना हराम है। उन्होंने खासकर लोगों को हिदायत दी है कि अगर आपके पास कोरोना है तो आप उसको छुपाएं नहीं, बल्कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। हम लोगों को उम्मीद है कि फिरंगी साहब ने जिस पहलू पर नजर डाला हम लोग उनकी बातों पर अमल करेंगे। वायरस से हम लोग को लड़ना है, इसके लिए मायूस नहीं होना और सरकार वैसे इंतजाम कर रही है हम लोग इससे लड़ पाते हैं। अगर आपको कहीं भी एहसास हो या आपको अंदेशा हो कि आप कोरोना से मुबतला है तो आप अपनी बीमारी को छुपाएं नहीं, बल्कि इसकी इंफॉर्मेशन डॉक्टरों को दें, सरकारों को दो, वह आपके इलाज को बिल्कुल सही ढंग से करेगी। अब बस आखिरी आप लोगों से ये अनुरोध है कि हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई उस वक्त कामयाब होगी जब तमाम लोगों का सपोर्ट मिलेगा। जिस तरह अभी भी देखे जा रहे हैं कि कुछ लोग जो है ये लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और अभी भी भीड़ बनाए हुए हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो उन लोगों से मेरी अनुरोध ये है कि आप अपनी जान बचाइए, अपने घर वालों को जान बचाइए और लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में कैद रहे। बाय। दारुल उलूम फरंगी महल लखनऊ की तरफ से आज एक फतवा जारी किया गया है जिसमें इस बात को वाजे किया गया है कि कोरोना वायरस का टेस्ट कराना, उसका इलाज कराना सभी के लिए लाजमी और ज़रूरी है और इस बीमारी को छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है और इस्लाम की रोशनी में किसी की जान को, अपनी जान को या किसी दूसरे की जान को हलाकत में डालना हराम है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जिस किसी ने भी एक इंसान की जान बचाई तो वह ऐसा है जैसे कि उसने तमाम इंसानों की जान बचाई। इस सिलसिले में दारुल उलूम फरंगी महल के दारुल इफ्ता में जनाब सऊद रईस एडवोकेट साहब की तरफ से एक इस्तिफ्ता दाखिल किया गया जिसमें कि ये सवाल किया गया है कि एक शख्स को कोरोना वायरस से मुतासिर है लेकिन वो अपने मर्ज को छुपाता है और इलाज कराने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या शरीयत के हिसाब से ये दुरुस्त है? और दूसरा सवाल ये है कि हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो हिदायत जारी की गई हैं और डॉक्टरों की तरफ से जो एहतियाती तदाबीर यानी जो प्रिकॉशंस लेने को कहा गया है उन पर अमल करना शरीयत की रोशनी में कैसा है? तो इस सिलसिले में दारुल इफ्ता फरंगी महल की तरफ से ये फतवा जारी किया गया और इसमें यह बात बहुत ही साफ तौर पर वजाहत के साथ लिखी गई है कि इस्लाम दीन फितरत है, इसमें इंसान की जान व माल को गैर मामूली अहमियत हासिल है। इस्लाम की हिदायत है कि खुद भी हलाकत से बचो और दूसरों को भी बचाओ। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने तमाम इंसानों की जान बचाई। इसलिए अगर कोई शख्स कोरोना वायरस से मुतासिर है तो उसको इलाज कराना ज़रूरी और लाजमी है, क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में वह खुद भी तबाह होगा और दूसरों की जानों को भी ख़तरे में डालेगा। जबकि हदीस में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी के लिए खुद नुकसान उठाना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना जायज़ नहीं है। नमस्कार, मैं गीतापति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है। एक वायरस ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस समस्या का समाधान न हो, इस समस्या का समाधान हमारे हाथों में। हाथों को 10 से 15 मिनट तक अच्छे से रगड़ कर धोइए। इन्हीं हाथों से वायरस आएगा और इन्हीं हाथों से वायरस जाएगा। दोस्तों, हमारी सरकार ने वायरस को भगाने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन किया है।
इसीलिए आप अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए घर पर रहिए, अपने घर की गली की मोहल्ले की सफाई कीजिए। हमारी डॉक्टर्स जो प्रतिदिन वायरस से पीड़ित मरीज हैं उनकी देखरेख में हर समय पर जंग लड़ रहे हैं, नर्स, पुलिसकर्मी, हमारे पत्रकार सभी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। तो मैं आपसे अपील करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी घर पर बैठकर इन सब की मदद कीजिए, वायरस को यहाँ से जड़ से भगाने में मदद कीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, घर पे बैठना है। घर पे बैठ के आप सरकार की मदद कर सकते हैं, आप खुद की मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं कृष्णारी चौधरी, जगदम्बा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का चेयरमैन हूँ। कोरोना हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिए हैं ये बहुत सराहनीय हैं। आज बंदी से पूरा व्यवसायी तरमरा गया है, लेकिन देश के हित के लिए, कोरोना से लड़ाई के लिए हम लोग को, सभी देशवासियों को घर में ही रहना उचित है, दूरी बना के रहना उचित है। और इस कठिनाई की घड़ी में हमारे धनबाद के प्रशासन को मैं सराहना करता हूँ कि आज इस कठिनाई में भी जो भी ज़रूरतमंद चीज़ है, चाहे वो फूड ग्रेन का हो या चाहे दवा हो, चाहे जो भी आवश्यक वस्तु है, वो पूरा करवा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रशासन को। और जो आज झारखंड सरकार और भारत सरकार जो निर्णय लिए हैं, इसी को सभी लोग पालन करें और घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। देश हित में ही अच्छा रहेगा, आपका भी हित में अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बरवाटा उधर पंचायत को मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम माँ चरण माथो, कांग्रेस पार्टी का मैं धनबाद जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये जो बीमारी कोरोना पूरे देश में फैली हुई है, तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री जी सभी सहयोग के, हम यही कहना चाहूँगा सभी को, पूरे तमाम जनता को, इसको पालन करें और घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलने का चेष्टा कोई जरूरी काम हो तो अपने नाक मुँह ढाक के निकलें और दूरी में रह के बात करें और परिवार शांति बना कर रहें और रखें। मैं यही सब दुआ करता हूँ जो इसको, इस बीमारी को आगे ना बढ़े, एक नाक नमक रोक लगाया जाए, जो कि हम लोग खुद परेशान हैं। ईश्वर से मैं दुआ करता हूँ कि किसी पर ये लागू ना लगे, शांति बना सब पर, तमाम जनता हमारा देश और झारखंड को रखें। ऐसा कोई बात नहीं है। अब हमारे यहाँ का तमाम धनबाद जिले का प्रशासन सभी को मदद करते हैं और समझाते हैं कि भाई आप लोग बच कर रहें, अपने परिवार के साथ रहें और रखें, और किसी को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए उन लोग भी प्रयास कर रहे हैं। और मैं ही बोलना चाहूँगा तमाम जनता को, जो शांति बना सब रहें बाबू, इसको आगे बढ़ाने का हमला करें। ईश्वर में भी दुआ करता हूँ, सब सुख शांति रहने से हम भी शांति रहेंगे, सभी तमाम बाल बच्चा के बाल बच्चे साथ रहे, हम जो रहते हैं और सबको रहते हैं बोलते हैं, यही मेरा कहना है। और ये कब तो चले गए नहीं, और सब अपने बच के रहे, हर जगह कोई याद करें और कोई भीड़ भाड़ ना करें।